हरियाणा में आज से डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आपको बता दें कि आज सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल होने वाली है। अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर, लेकिन आज से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। और जाहिर है हड़ताल के चलते मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस सबके बीच मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री राजेश खुल्लर। सीएम के चीफ प्रिंसिपल राजेश प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर ये बैठक करने वाले हैं। दोपहर करीब 12 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। पिछले काफी वक्त से डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, कई बार सांकेतिक धरने पर भी बैठे डॉक्टर्स, और आज से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। लेकिन इस सबके बीच सरकार के साथ अहम मीटिंग है डॉक्टर्स एसोसिएशन की। डॉक्टर की क्या मांगे हैं ये भी आपको बताएंगे तफसील से। फिलहाल बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं तो आज मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरएस खुल्लर की मुलाकात होगी डॉक्टर्स के डेलीगेशन के साथ, और देखते हैं कि इस मामले को लेकर कोई रास्ता निकलता है नहीं। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं तमाम जानकारियां लेकर। जितेंद्र, पिछले काफी वक्त से डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर कभी सांकेतिक धरने पर बैठ रहे थे, कभी 2 घंटे की हड़ताल कर रहे थे, और आज से डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। जाहिर इसके बाद मरीजों को तो परेशानी होगी, लेकिन इस सबके बीच राहत की खबर पहले ये आई है कि चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर के साथ डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात भी है। हो सकता है कि आज ही कोई रास्ता निकल आए। ये पूरी खबर क्या है जितेंद्र, तफसील से बताइए क्या मांगे हैं डॉक्टर्स की, क्या चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए बिल्कुल मुमताज, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन सर्विसेज से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं उनसे, और जो सरकारी जो अस्पताल है उनके अंदर कार्यरत हैं। करीब 3,000 के आसपास की ये संख्या है, और इसमें डॉक्टर्स की तरफ से लगातार, चाहे वो गठबंधन की सरकार रही हो उस वक्त अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखने का मामला हो, या फिर मौजूदा सरकार के समक्ष रखने का मामला हो, लगातार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष जो है डॉक्टर्स एसोसिएशन रख रही थी, जिसके अंदर SMO की सीधी भर्ती से लेकर के और जो केंद्र की नियुक्तियों के अनुसार जो ACP है, इस प्रकार की जो मांगे हैं वो यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से रखी जा रही थी, जिसको लेकर के कई दौर की वार्ता सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हो चुकी है। लेकिन आश्वासन मिलने के बाद भी डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि सरकार जो है वो लेट लतीफी और बहुत धीमी गति से इस मसले पर काम हो रहा है, जबकि प्रक्रिया के अनुसार ये तमाम चीजें सरकार को कर देनी चाहिए थी, ये डॉक्टर्स का कहना है। कल अगर हम बात करें तो इससे पहले अगर हम बात करें, काले रिबन बांध करके भी डॉक्टर अपना जो प्रदर्शन है वो कर चुके हैं, सांकेतिक तौर पर भी OPD बंद कर चुके हैं, और आज से उनका ऐलान था कि पूरे तरीके से जो सेवाएं हैं उन्हें अनिश्चित काल के लिए बंद करने को लेकर के, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर बड़ी जो दिक्कतें हैं वो आम जन को आ सकती थी। लेकिन इससे पहले सरकार की तरफ से आज एक बैठक 12 बजे बुलाई गई है, जो सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ अधिकारी है राजेश खुल्लर उनके साथ तमाम जो इससे संबंधित जो अधिकारी है और जो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, प्रतिनिधिमंडल है, उसके साथ एक बैठक 12 बजे आज हरियाणा सिविल सचिवालय के अंदर बुलाई गई है, जिसका मकसद यही है कि इस प्रकार से आमजन को कोई दिक्कत ना हो और जो वाजिब मांगे हैं वो पूरे तौर पर डॉक्टर एसोसिएशन की उन्हें सरकार जो है बिना देरी करे यहाँ पर मानते हुए नजर आती है। तो ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार की असुविधा जो आम जन को होने वाली है उसे टाला जा सकता है, लेकिन ये देखना होगा कि बैठक में किन बिंदुओं पर सहमति बनती है और दोनों तरफ से किस प्रकार का बीच का रास्ता निकलता है, या फिर सरकार सिरे से तमाम मांगों को मान लेती है। इन तमाम चीजों को लेकर के आज 12 बजे तक का इंतजार करना होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर स्थिति यही बनी रहती है तो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के अंदर इसे लेकर के कामकाज जो है वो पूरे तरीके से प्रभावित होगा, और क्योंकि ये मसला जुड़ा हुआ है लोगों की सेहत के साथ, लोगों की ऐसी दिक्कतें जो सरकारी अस्पतालों पर और उन्हें लेकर के जाती है, इमरजेंसी सर्विसेज से लेकर के तमाम सेवाओं को आज से अनिश्चित काल के लिए बंद करने की बात डॉक्टर्स की तरफ से कही गई थी। तो अब ये देखना है कि आज इसमें किस प्रकार की राहत सरकार दे पाती है, जब ये मीटिंग 12 बजे सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ
HCMA के जो अधिकारी हैं, जो माफी चाहेंगे, जो प्रतिनिधिमंडल है, उनके साथ जब ये बैठक होती है तो ये पता चलेगा किस तरीके का हल इस बैठक में निकला है। जी जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा इस मीटिंग के क्या अपडेट्स मिलते हैं ताकि हम अपने दर्शकों तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस बेहद अहम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, लेकिन इस सबके बीच डॉक्टर्स की मुलाकात भी है चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री राजेश कुल्लर के साथ। देखते हैं कि इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा, क्या ये हड़ताल लंबी चलेगी और मरीजों को यूं ही परेशान होना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर दे रहे हैं हरियाणा के लोगों के लिए, मायने रखती है खबर, आज से सरकारी डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने की खबर है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं आज हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स। हरियाणा में आज से डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। इस सब के बीच मरीजों को परेशानी होना लाजमी है और अब बातचीत की भी खबर है, सरकार और डॉक्टर्स के बीच बातचीत भी होगी आज ही। और मेरे साथ इस खबर पर जींद से मेरे सहयोगी राजीव राठी जुड़ गए हैं। राजीव का रुख करेंगे यहाँ ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुके हैं, जाहिर सी बात है मरीजों के लिए बड़ी परेशानी की वजह है। जींद में बताइए क्या हालात है राजीव। देखिए, जींद के सरकारी अस्पताल की अगर बात करें तो 35 डॉक्टरों के भरोसे आज स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी, यानी कि 35 से अलग जो डॉक्टर्स हैं वो आज हड़ताल पर चले गए हैं। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को सामना जो है मुसीबतों का करना पड़ेगा, क्योंकि जींद के सामान्य अस्पताल की बात करें तो तकरीबन 2000 के आसपास जो है यहाँ पर हर रोज ड्यूटियां हो जाती हैं। वहीं जींद के जो CMO है उन्होंने मोर्चा संभाला है सिविल सर्जन ने हड़ताल से निपटने के लिए। NSM के 15 डॉक्टरों, स्कूल हेल्थ के 20 डॉक्टरों की ड्यूटियां लगाई गई हैं ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। डॉक्टरों की मांगे ये ही है, PG कोर्स के बॉन्ड में कमी हो, SMO की सीधी भर्ती रोकने के लिए, वही सरकारी भत्ते में वृद्धि, इन सभी मांगों पर जो है डॉक्टर अड़े हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव है राजेश कुल्लर, उन्होंने 12 बजे डॉक्टरों के साथ जो है मीटिंग बुलाई है। जी क्या कहें, तो मरीजों का क्या कहना है, वो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है अभी, या फिर जैसे कि आपने कहा अभी 35 डॉक्टर्स के अलावा बाकी गए हड़ताल पर, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी शायद? अब बिल्कुल, देखिए यहाँ की जींद की अगर बात करें, यहाँ जो CMO है डॉक्टर गोपाल गोयल, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने जो NSM के जो 15 डॉक्टर थे, स्कूल हेल्थ के 20 डॉक्टर थे, उनकी भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। हालांकि इस हड़ताल से निपटने के लिए ही CMO ने ये कदम उठाया है, तो कह सकते हैं इतनी ज्यादा मुसीबतें जो है इमरजेंसी की अगर बात करें वहां तो नहीं हो रही, लेकिन OPD की अगर बात करें, क्योंकि 2000 के आसपास जो है OPD हो जाती है, तो वहां मरीजों को जो है आमतौर पर कहीं ना कहीं अब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया राजीव आपका इस जानकारी के लिए, हम अपडेट्स लेते रहेंगे दिन भर आपसे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए आज सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, और इस सबके बीच मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है जब डॉक्टर्स मरीजों को अटेंड करने के लिए नहीं होंगे तो दिक्कत तो होगी।